फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान का बहुत ही फेमस डिश वाफला बाटी और तुअर की दाल। तो आप सभी को भी बहुत पसंद आने वाला है, तो आप जानने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ये बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, आप एक बाटी खाने के बजाय तीन खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं बनाने बाटी दाल को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ राजस्थान का बहुत ही फेमस वाफला बाटी। तो यहाँ वाफला बाटी बनाने के लिए मैंने यहाँ तीन कटोरी, बड़े साइज की कटोरी से तीन कटोरी गेहूँ का आटा लिया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे, फ्रेंड्स, इसमें हम डाल रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक बहुत ही हल्का रखना है इस बाटी में। यहाँ हम आधा चम्मच के करीब डाल रहे हैं कुकिंग सोडा। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कटोरी के करीब सूजी लिया हुआ है, कच्ची सूजी है ये, बिना भुने। इससे बाटी बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और यहाँ मैंने एक कटोरी ताजी दही ली हुई है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी से ऑयल। तो मैंने ऑयल को डाल दिया है। अब इसे हाथों से अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। सभी चीजों को पहले आटे के अंदर मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लगा के बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है, आप देख सकते हो ये मुट्ठी बंध जा रहा है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे देके इसे हम बांध लेंगे। बहुत ही टाइट बांधना है, बिल्कुल भी नरम नहीं करना है इसे। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हम बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आटे के लोट को बांध लिया है। अब बहुत ही टाइट मैंने इसे बांधा है, आप देख सकते हो। तो आइए चलते हैं बाटी को बनाने। यहाँ मैंने एक पतीले में पानी रख दिया है 2 लीटर के करीब, और पानी गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। यहाँ मैंने हल्दी डाल दिया है। अब इसे में बॉयल आने तक का वेट करेंगे, तब तक हम बाटी को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक साइज के कई सारे बॉल्स तोड़ लिए हैं। अब हम जा रहे हैं बाटी को बनाने। अभी हम इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इस तरीके से सेम सारे बाटी को बना लेंगे। यहाँ मैंने बॉल्स तोड़ के रखे हैं, तो आइए पहले बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारे बाटी को तैयार कर लिया है इस तरीके से, सब एक साइज के है। और यहाँ हमारा पानी भी उबल गया है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम बाटी को डाल देंगे, एक एक करके हम इसमें, और इसे हम मैक्सिमम 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे। तो बिना ढके इसे बॉयल होने देते हैं 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पानी से बाटी को निकाल लिया है और मैंने इसे पेपर पे अलट पलट के जितने भी इसमें मॉइस्चर है मैंने ड्राई कर लिया है और सुखा लिया। आप खुद ही देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसे हम सेकेंगे ओवन में। और इसके कॉम्बिनेशन में, इसके साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे तुअर का दाल बनाया हुआ है। अभी मैंने बस दाल को ऐसे गला के रख लिया है और इसका तड़का बाकी है। इसके तड़के के लिए मैंने लिया है अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज। मैंने सभी को एक ही में काट लिया है। अब इसे हम मिक्सी बाउल में पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बाटी को सेकने। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस पे बाटी का कुकर रख दिया है, अभी इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। मैंने गैस को लो फ्लेम पे चालू कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बाटी को रख रहे हैं इस पे एक एक करके अच्छे से, एक एक करके, और सारे बाटी को रख देंगे। जितना इस पे आएगा उतना ही रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा का बाद में हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसे हम कवर कर देंगे अच्छे से और 15 मिनट बाद हम इसे फिर से वापस से पलटेंगे। तो 15 मिनट वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है दाल को फ्राई करने के लिए।
तो दाल को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ तेल का यूज किया है, 3 से 4 चम्मच देसी घी मैंने लिया है, इसे पूरी तरह से हीट कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच रई लिया है तड़के के लिए दाल में, इसे चटका लेते हैं। थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच के करीब। हींग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे स्किप ना करें, जरूर डालें। और जो मैंने पेस्ट बनाया है अदरक लहसुन टमाटर प्याज का, हम उसे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सभी मसालों को डाल लिया है, अब इसे हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनेंगे। यहाँ दाल के फ्राई करने के लिए मैंने 2 चम्मच धनिया लिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी, सभी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो ये दाल का मसाला है, जो दाल का तड़के वाला मसाला है, कितना ही स्पाइसी लग रहा है। इससे दाल बहुत टेस्टी बनता है। जो हमारा ये बाफला बाटी है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसका वीडियो हम आपको बाद में शेयर करेंगे। आइए बाटी को भी पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये किस तरह से सिक चुका है, ऊपर के साइड दोनों साइड ये सिक रहा है। 10 मिनट हो गया बाटी को रखे हुए, 10 मिनट बाद बाटी बनके रेडी हो जाएगा। इसमें हम एवरेस्ट का गरम मसाला डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब, जिससे टेस्ट दाल का बहुत अच्छा आता है। और वापस से इसे चला लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है, इसे ढक देते हैं हम 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इसमें हम 1 चम्मच के करीब डाल रहे हैं गुड़। गुड़ को मैंने डाल दिया है, गुड़ को मिक्स कर लेंगे। दाल में गुड़ बहुत ही कंपल्सरी है, इसे स्किप ना करें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। बाटी भी हमारा आप देख सकते हैं 75% कुक हो चुका है, 25% और बाकी है रेडी होने में। फ्रेंड्स, दाल के अंदर हम तड़के को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो दाल ठंडी हो चुकी है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ दाल बनके रेडी हो चुका है, आइए चलते हैं सर्व के लिए निकालने। तो फ्रेंड्स, हमने बाटी को निकाल लिया है। अगर आपको घी पसंद है तो आप इसे इस तरीके से तोड़ के और इसको इस तरीके से तोड़ के इसमें 2-3 चम्मच आप घी भर सकते हो, पर मुझे घी पसंद नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट बाटी बनके रेडी हुई है। तो आइए इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने दाल बाटी बना के रेडी कर लिया है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।